students of 10th standard, today we are going to start our new subject and that new subject is yoga. So yoga ki book aap logon ko mili hogi. To yoga ka first chapter hai internal organs of ashtang yoga, yani ashtang yoga ke jo internal organs hote hain wo kya hote hain, kaise hote hain, unke bare mein hum padhenge. तो योग विद्या इज़ एन इंडिविजुअल गिफ्ट इनहेरिटेड टू अस बाय अवर एंशिएंट सेंट्स, हमारे जो पुराने साधु संत हुआ करते थे उनके द्वारा एक ऐसा ये कीमती विद्या है जो कि हमारे प्रथाओं में जुड़ी हुई है. महर्षि पतंजलि हैज़ डिस्क्राइब्ड योग शास्त्र इन द ग्रंथ नेम्ड योग दर्शन. अब महर्षि पतंजलि ने इसको डिस्क्राइब किया है योग शास्त्र जो कि ग्रंथ लिखा है और ग्रंथ का नाम पड़ गया था योगा दर्शन. एस एट ऑर्गेंस अंगस, एट ऑर्गेंस मतलब अंग होते हैं जो भाग हम शरीर के कहते हैं. एस एट ऑर्गेंस अंगस आर इंक्लूडेड इन योगा, योगा में आठ शरीर के भागों का यूज़ होता है. इट इज़ कॉल्ड अष्टांग योगा और इसीलिए उसे हम अष्टांग योगा कहते हैं. अष्टांग योगा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स एस बहिरंग एक्सटर्नल एंड अंतरंग यानी इंटरनल. अब ये दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. बहिरंग का मतलब बाहर का अंग, तो बाहर का अंग मीन्स एक्सटर्नल एंड अंतरंग मतलब शरीर के अंदर के जो भाग होते हैं दैट इज़ इंटरनल. नाउ फर्स्ट फाइव अंगस ऑफ अष्टांग योगा, पहले पांच अंग जो अष्टांग योग में यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, यामा, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार. अब ये पांच जो हैं इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. दिस फाइव अंगस आर कॉल्ड बहिरंग योगा. अब ये जो पांच अंग हैं इसे बहिरंग योगा कहते हैं यानी एक्सटर्नल पार्ट्स. दिस फाइव अंगस आर एसोसिएटेड विथ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, ये पांच अंगों का हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ यानी जो एक्टिविटीज़ बाहर से हमें दिखाई दे जाए वो. हैंस दे आर कॉल्ड बहिरंग योगा और इसीलिए इसे बहिरंग योगा कहते हैं. द रिमेनिंग थ्री ऑर्गेंस नेमली धारणा ध्यान समाधि आर रिलेटेड टू द कॉन्शियंस. और बाकी के तीन जो ऑर्गन हैं जैसे वो धारणा ध्यान और समाधि ये कॉन्शियंस से रिलेटेड है यानी दिमाग को संतुलित करने के लिए. हैंस दे आर कॉल्ड अंतरंग योगा इन द योगा शास्त्र और इसीलिए इसे अंतरंग योगा कहते हैं योग शास्त्र में यानी योग शास्त्र की विद्या में इसे हम कहते हैं अंतरंग योगा. अंतरंग योगा स्टार्ट्स विद धारणा प्रत्याहार. इट्स प्रोसीडिंग अंग इज नोन एज द डोर ऑफ अंतरंग योगा स्टडी ऑफ द अंतरंग योगा. अब देखिए अंतरंग योगा जो है वो शुरू होता है धारणा से. धारणा हो गया या प्रत्याहार हो गया, इट्स प्रीसीडिंग अंग यानी कि प्रीसीड होता है यानी शुरुआत इन्हीं से होती है पीछे की तरफ. देन अंतरंग ऐसा माना जाता है कि नोन इज़ द डोर यानी कि पहला द्वार यही है कि दरवाज़ा जो हम कहते हैं एंट्री करने का दैट इज़ दिस ओनली. योग स्टडी ऑफ द अंतरंग योगा, अब अंतरंग योगा की शुरुआत जो होती है वो किससे होगी, धारणा से या प्रत्याहार से. फिर आ जाता है धारणा ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन एंड समाधि ऑल टुगेदर आर नोन एज द संयम. अब ये तीनों को मेल मिलाकर हम कहते हैं संयम. संयम का मतलब कंट्रोल, संयम हम बोलते हैं ना धीरज रखो संयम रखो इट मीन्स कंट्रोल. द बॉडी सेंसेस एंड द माइंड आर वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय बहिरंग योगा वाइल द कॉन्शियसनेस इज इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड थ्रू अंतरंग योगा. अब जो बॉडी के सेंसेस हैं यानी कि अपना शरीर या माइंड जिसे हम कहते हैं वो बहिरंग योगा से कंट्रोल हो सकता है लेकिन कॉन्शियसनेस यानी कि कंट्रोल जो होता है या माइंड एकदम स्टेबल रहता है कैसे, वो अंतरंग योगा से होगा. कंट्रोल कैन बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द मटेरियल बॉडी थ्रू द स्टडी ऑफ बहिरंग योगा. अब शरीर के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो बहिरंग योगा से होगा. वाइल कंट्रोल ऑन द स्पिरिचुअल बॉडी कैन बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू द स्टडी ऑफ अंतरंग योगा. लेकिन बॉडी जो स्टेबिलिटी होती है शांति होती है वो अंतरंग योगा से होगी. स्पिरिचुअलिटी यानी आत्म शांति के लिए जो किया जाता है वो अंतरंग योगा होता है. स्टडी ऑफ अंतरंग योगा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द राजयोग. अब अंतरंग योगा की जो शिक्षा होती है उसे हम राजयोग भी कहते हैं. नाउ वी वुड स्टडी ऑल द थ्री अंगस ऑफ अंतरंग योगा इन डिटेल. अब हम इसी अंतरंग योगा के जो तीन ऑर्गेंस हैं या तीन अंग हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यानी विस्तार रूप में अब पढ़ेंगे.